वस्तिक पाव सिंधु देवी छा पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः वृंदाए तुलसीदेव प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रिये देवी सत्वत्ते नमो नमः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी प्रसुभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरस्य नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंदावन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री गुरु चरण कमल
Hare 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 Hare
बलहोरी के रतिया की जय जय श्री राधे रस भानुनंद निखिल लाल जी की जय रंगीली गली की जय बरसानो धाम की जय गुरु की लाली की जय गुरुदेव के लाले की जय 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 श्री राधे। हम बोलते हैं हमारे हम बोले बोलते बरसाने की गूंज रोज करे
Thank you.
में भगवान श्री कृष्ण को ग्वाल वाल प्रसाद मंत्र देकर बुला लिया और फिर वहां पर मुकुट मुरली छीन ली और उनके माथे पे बिंदिया और चूंदी उठा करके और पैरों में महावर लगा करके नर से नारी कई गोपियों ने उसको झुंड में बना करके नचा रही है। यहाँ तक मैं बता गई कि अरे ये लाली कितनी सुंदर लग रही है, या कि भैया यशोदा को दिखाओ कि तेरी लाली कितनी सुंदर है। तो इसमें ये सवैया चार लाइन का उसमें भी यही भाव है। राधिका पाए के सेन सबे राधा जी का सारा पा करके झपटने लगी कन्हैया को। राधिका पाए के सेन सबे जकुटी मन मोहन पे ब्रज नारी छीन पीतांबर कामरिया पहराई कसुमर सुंदर साड़ी।
छोटी गोपी के सर में बारी है, तेरे ऐसे से गुंजा लगाऊंगी। मलो मुख तू पर लाल गुलाल, मलो yeah.
Yeah.
जो है ना तुम्हारी सांस सांस की कमी पसंद आए तो मेरी है लेकिन सही है ना, हम ब्राह्मण की सांस तो बहुत ही उदाहरण है। Yeah.
जोर से बोलो बोलो हरे कृष्णा
लाल की जय। आवाज आ रही है पीछे तक, आ रही है पीछे तक, थोड़ी थोड़ी आगे आगे आ रही है, और थोड़ी आगे, थोड़ी 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 और थोड़े आगे आ जाए, पीछे पीछे वाला थोड़ा आगे आ जाए। हरे कृष्णा, थोड़ी थोड़ी कथा सुन, ठीक। हरि बोल। देखो कल गुरु पूर्णिमा है, कल गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा मतलब है कल श्री व्यास देव का जन्म तिथि है। किसका जन्म तिथि है? व्यास देव। कभी ये व्यास देव कौन है? फिर हम लोग साल में एक बार ये गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं, इसका क्या रहस्य है? कभी जो व्यास देव है, कभी ये भगवान की ये सत्यावेशा बता है। जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते, बोले हे अर्जुन, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतान मधर्मस्य तदात्मान सृजामि। कहते हे अर्जुन, जब जब इस जगत में विपत्ति बढ़ती है, स्त्रियों को पर अत्याचार हो, गो माता को पर अत्याचार हो, संतों को ऊपर में पृथ्वी में, जब जब ये अत्याचार होता है जगत में, धर्म नष्ट हो जाता है, अधर्म बढ़ने लग जाए, भगवान कहते हैं तब तक मैंने इस जगत में अवतीर्ण होकर के दुष्टों को नष्ट करता हूँ और संतों का रक्षा करता हूँ। है जैसे भगवान राम आए, किसको मारे थे? रावण को। सब जानते हो आप लोग, लगता है सब पंडित है आप लोग। इसलिए जैसे भगवान हमारे कृष्ण आए, है कृष्ण किसको मारे थे? कंस को मारे थे। इसलिए उसी तरह भगवान नारायण भी अलग अलग समय पर भगवान नारायण रूप में भी आए और दुष्टों को विनाश करके संतों को पालन किया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, भगवान तो खुद आ जाते हैं जगत में, और कभी कभी किसी किसी विशेष विशेष जीव को उन्होंने विशेष शक्ति प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करके फिर जगत में धर्म को स्थापन करते हैं। जैसे तुम्हारी गुजर समाज में मोहन बाबा, मोहन बाबा को जानते हो? कौन कौन जानते हो मोहन बाबा को? आप सब जानते हो। इसलिए कहते कभी कभी ठाकुर तो कभी कभी आते हैं, लेकिन कभी कभी विशेष विशेष जीव में ठाकुर जी विशेष शक्ति प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करके जगत में धर्म को स्थापन करते हैं ठाकुर जी। उसी तरह जो व्यास देव हैं, हैं कल जिनकी जन्म तिथि है, कहते ये कौन है? बल ये भगवान की सत्यावेश अवतार है। बोले व्यास देव रूप में ठाकुर जी जगत में क्यों अवतीर्ण हुए, इसका क्या रहस्य? बोले रहस्य है, कहते कृष्ण भूलि सही जीव अनादि बहिर्मोह, अतएव माया तार देह संसार आदि दुख। हम भगवान को भूले हुए अनादि काल से, हम ठाकुर को भूल करके 14 ब्रह्मांड और 84 लक्ष जोनि में हम भटक रहे हैं, और भटकते भटकते बड़ी भाग्य से जीवों को ये मानव शरीर जीव को मिलता है। कहते 84 लाख भ्रम के ये नर तनु दे, 84 लक्ष जन्मों के बाद में एक बार प्रभु ये मानव शरीर दिए। अभी ठाकुर जी सोचते हैं इनके कल्याण कैसे हो, जीवों का कल्याण कैसे हो, क्यों? कहते जो जीव है, जीव कौन है? बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतल अमल सहज सुखराशी। हम सबके सब भगवान की औलाद, ठाकुर की संतान है। भगवान कौन है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। सत मतलब भगवान।